वर्णिवे शरमणीय दर्शनम्। मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ श्री पूर्णपुरुषोत्तम नारायण नारायण नमो नमः। अक्षरधामाधिपतये राजाधिराजाय नमो नमः। सर्वावतारीण श्री स्वामी नारायण भगवते नमो नमः। महासमर्थ अलौकिक मूर्ति रूप निधान श्री घनश्याम महाराजाय नमो नमः। सर्व कारण कारणाय अंतर्यामिने श्री हरि कृष्ण महाराजाय नमो नमः। सदानंद दायिने आनंद घन मूर्तये सर्वधामस्य सर्व मुक्त पतये श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। कठिन तपकारिणे वनवासी श्री नीलकंठ वर्णि राजाय नमो नमः। लौज आश्रमवासी साधु सेवा परायणाय पार्षद वर्याय श्री सरजुदासाय नमो नमः। आदि गुरवे महासमर्थ श्री सद्गुरु वर्य गोपालानंद मुनये नमो नमः। साधुता गुण संपन्न संत शिरोमणि श्री मुक्तानंद मुनये नमो नमः। ब्रह्मदर्शी महाउपदेशक श्री गुणातीतानंद मुनये नमो नमः। पंडित प्रवराय श्री नित्यानंद मुनये दासत्व मूर्तये श्री सुखानंद मुनये नमो नमः। वैराग्य मूर्ति श्री निष्कुलानंद मुनये नमो नमः। त्याग मूर्ति श्री भायात्मानंद स्वामिने नमो नमः। प्रेम मूर्ति प्रेम सखी श्री प्रेमानंद स्वामिने नमो नमः। शतानंद मुने स्वरूपानंद स्वामिने भाई रामदास स्वामिने व्यापकानंद स्वामिने योगानंद स्वामिने चैतन्यानंद स्वामिने सच्चिदानंद स्वामिने सिद्धानंद स्वामिने इत्यादि नंद संतभ्यो नमो नमः। मम गुरु श्री राधारमण स्वामिने नमो नमः। आधारानंद मुने नमो नमः। परम भक्त श्री राधा खाचराय नमो नमः। सर्वधामस्य सर्वमुक्तेभ्यो प्रकट सर्वे संत सर्वे हरिभक्तेभ्यो नमो नमः। विक्रम संवत 2069 कार्तिक सुद अष्टमी बुधवार दिनांक 21/11/2012। आज के सद्विचार। लेने से सुख मिलता है वह क्षणिक होता है, लेने से जो सुख मिलता है वह क्षणिक होता है और देने से जो प्राप्त होने वाला सुख वही जीवन भर रहता है, यानी कि कायम रहता है, वो कायमी है। महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है। यहाँ पर लेने देने की बात है, एक स्वार्थी है और एक परमार्थी है। मैं फिर से सद्विचार पढ़ता हूँ, सुनिए, और लिखना हो तो लिख लीजिए। लेने से सुख मिलता है वह क्षणिक होता है, देने से प्राप्त होने वाला सुख ही
जीवन भर रहता है। देने से प्राप्त होने वाला सुख ही जीवन भर रहता है। लेने देने की बात आई दिमाग में। सारे संसार में एक ऐसा ख्याल है कि हमको मिला सो हमारा, जितना जहाँ से जो मिल जाए वो ले लेना चाहिए, लेने से ही हमको सुख मिलता है। मगर यहाँ महावीर स्वामी ने कुछ अलग ही बात बता दी। ये लेने से सुख मिलता है शायद, मान लो मिलता है, मगर वो क्षणिक होता है। वो उनका अनुभव है, हम शायद इस बात में समझे ना समझे। हमारा दिमाग किस दिशा में सोचता है और महावीर स्वामी का दिमाग किस दिशा में सोचता है। हम लेने से ही सुख मानते हैं, देने में हम सुख नहीं मानते। देना पड़ता है आबरू की खातिर, इसलिए देते हैं। जैसे नाखून बढ़ जाते हैं तो हमको काटना पड़ता है, इस तरह संपत्ति हमारे घर में ज़्यादा हो तो हमें कुछ उसमें से देना पड़ता है, हमारी आबरू के खातिर देना पड़ता है। हम भी किसी से कम नहीं है, हम सबके साथ साथ है, ऐसा दिखाने के लिए भी देना पड़ता है। मगर हम दिल से केवल किसी की भलाई के लिए तो कुछ काम नहीं कर सकते, किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। देने में भी हमारा स्वार्थ होता है, देने के पीछे कुछ लेने की वासना है, इसलिए तो हम कुछ देते हैं। वो तो दिया नहीं है भाई, इसमें लेने की बदबू है, ये बात यहां पर नहीं है। यहां तो दिया सो दिया, बाद में भूल गया। और ऐसे देने से जो सुख आता है वो कायम है, वो जाने वाला नहीं है। हमारे जीवन की जो स्थिति है, जिसे हम लेवल कहते हैं, वो निम्न है। अच्छी तरह से हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे और बड़े पुरुषों के बीच में विचारधारा का डिफरेंस बहुत रहता है। बड़े पुरुष जो सोचता है, वो जो समझता है, ऐसा हम नहीं समझते। ये बड़ी मुश्किल है, दिमाग में बैठता ही नहीं। ऐसी तो बहुत बातें हैं, बड़े बड़े लोगों ने बताई है, अनुभव करके दिखाई है, फिर भी हमें विश्वास नहीं होता। सालों से मैं एक बात पर बार बार विचार कर चुका हूं, वो बात यह है, इस संसार में जिनके पास ज्यादा धन हो, सत्ता हो, गाम गिरास हो, वही दुखी है। ये मंतव्य भगवान स्वामी नारायण का है। उन्होंने रात के 12 बजे संत की धर्मशाला में जाकर, सभी संत को सोए हुए थे उनको उठाए और बाद में ये बात कही थी, और ऐसा कहा, बहुत अच्छा विचार आया, तो मैं सुबह तक राह न देख पाया, इसलिए अभी अभी आपके पास चला आया हूँ। शायद मुझको ऐसा लगा कि सुबह में ये विचार मेरे दिमाग में से निकल जाए तो मैं संत को क्या दूंगा। स्वामीनारायण भगवान के लिए ये विचार बहुत अच्छा विचार था, और अपने सबसे प्यारे जो संत, स्वामीनारायण भगवान को इस संसार में संत से प्यारे और कोई नहीं थे। अपने पास यदि कोई अच्छी चीज आ जाए तो हम अपने बहुत प्यारे जो होते हैं उनको तुरंत ही दे देते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने यह विचार रात में ही 12 बजे साधु को सोने नहीं दिए, उठाकर बताया कि लीजिए विचार, बहुत अच्छी बात है ये। जिसके पास गाम ग्रास है, सत्ता है, ज्यादा धन है, वही दुखी है, और जिसके पास वो कुछ नहीं है वो सुखी है। क्या आजकल की यह दुनिया और भगवान स्वामी नारायण का ये विचार है क्या बंद बैठता है? हमारा दिमाग ये बात स्वीकारने के लिए क्या तैयार है? है फिर भी नहीं है।
स्वामीनारायण भगवान ने कहा है, इसलिए हम हिल जाते हैं, सोचने लगते हैं, थोड़ा सा दिमाग में बैठ भी जाता है, भगवान है ना, उन्होंने तो जो कहा है वो ठीक ही कहा होगा, हम नहीं समझते होंगे शायद, ये बात अच्छी है, ये लेकिन थोड़ी देर ये विचार हमारे दिल में रहता है, बाद में संसार का समागम है ना, इसलिए हमको तुरंत ही ऐसा दिमाग में आ जाता है पैसा तो चाहिए, पैसा बिना भला सुख कैसा, कैसी बात कर रहे हैं स्वामीनारायण बिना अक्ल की। क्या हमारा दिमाग अच्छा चलता है या स्वामीनारायण भगवान का? सुख किस में है, कैसे है, वो स्वामीनारायण भगवान ज्यादा जाने या हम और कोई और, यह भी हम नहीं समझ पाते। वर्षों से मैं सोचता रहा हूं कि भगवान स्वामीनारायण ने यह अच्छा बताया, ये स्वामीनारायण भगवान का स्टेटमेंट इस संसार में बहुत कम लोगों के दिमाग में बैठने वाला स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट बताया है सद्गुरु गोपाल स्वामी ने अपनी बातों में, यहां से लेकर प्रकृति पुरुष तक ज्यादा दुख है, ऐसा स्टेटमेंट सिर्फ गोपालानंद स्वामी ही कर सकते हैं, अधिक अधिक दुख है। गोपाल स्वामी ने महापुरुष को सबसे ज्यादा दुख बताया, वो सबसे बड़ा है इसलिए वो सबसे ज्यादा दुखी है। ये बात कहीं सालों से हम सोच रहे हैं कि मेरे इष्ट देव भगवान स्वामी नारायण ने क्या कहा, और मेरे आदि गुरु सदगुरु गोपाल स्वामी ने क्या बताया, और हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कहाँ पर सुख बताया, गरीबी में और छोटेपन में। सहजानंद स्वामी ने गरीबी में सुख बताया और गोपालानंद स्वामी ने छोटेपन में सुख बताया, महापुरुष को सबसे ज़्यादा दुखी बताया। देखो हमारे संप्रदाय में स्वामी नारायण को तो हम सर्वोपरि भगवान मानते ही हैं, और गोपालानंद स्वामी को 500 परमहंस में सर्वोपरि संत बताकर स्वामीनारायण भगवान ने दोनों आचार्यों का और सभी सत्संग का हाथ गोपालानंद स्वामी के हाथ में दे दिया, सारे सत्संग के धनी गोपालानंद स्वामी को बना दिया, दोनों आचार्यों का भी ऊपरी बना दिया और हमको बता दिया। इसलिए गोपालानंद स्वामी की क्या गरिमा थी वो हम जान सकते हैं, स्वामीनारायण भगवान और गोपालानंद स्वामी इन दोनों का स्टेटमेंट हम जब देखते हैं तब हम संसार में और किसी का स्टेटमेंट देखने के लिए हम जाएंगे कहाँ, जाएंगे किसको पूछेंगे, हमें मानना हो तो मान लीजिए, न मानना हो तो हमारी मर्जी, मगर इन दोनों ने यह बताया है, मानना हो तो मानिए, न मानना हो तो तुम्हारी मर्जी। और तीसरी बात मैं सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी की बताता हूँ, वो बात भी मेरे दिल में बहुत गहरी बैठ गई है, सालों से बैठी है, कभी भी मैं भुला नहीं पाता हूँ। ये बात यह है, ये बात तो आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी कहीं बार, मगर मेरे दिल में बहुत अच्छी तरह से बैठ गई है। एक हरिभक्त जूनागढ़ मंदिर में दर्शन के लिए आए और राधा रमण देव के सामने 500 रुपया रख दिया और चले गए। जब गुणातीतानंद स्वामी ने यह बात जानी तब स्वामी ने शोक किया था, स्वामी ने शोक किया था, यह बात मेरे सर से जाती नहीं है, बार बार आती है, बार बार आती है, क्या थे हमारे सदगुरु, क्या थे, क्या उनका विचार था, कैसे बड़े पुरुष थे, वो क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे, और हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किसमें हमने कल्याण माना है, हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, हमारा आशय क्या है, और इन बड़ों पुरुषों का आशय क्या था, क्या कुछ मिलता है उनके आशय के साथ, हमारा आशय मिलता है। पूरब पश्चिम सा लगता है। गुणातीतानंद स्वामी ने शोक किया था, अरे भला यहां मंदिर में 500 रुपया आपने क्यों रख दिया,
स्वामी ने कहा कि इन 500 रुपया का अनाज लेकर घर में रख दिया होता और रोटी बना के खाकर हरि का स्मरण किया होता तो तेरा काम बन जाता। ऐसा बोले थे वो महापुरुष। देखो इस समय में राधा रमण देव के भंडार भरे हुए नहीं थे, बहुत ज्यादा संत थे थाल के लिए और संत साधु के लिए और आने वाले यात्री के लिए भी अनाज की कमी थी। फिर भी सदगुरु गुणातीतानंद स्वामी का कैसा तान था और आजकल हमारा तान क्या है वो हमें समझना चाहिए। हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे महापुरुष कहाँ खड़े थे और हम कहाँ खड़े हैं। और हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्यों भगवान स्वामी नारायण की, गुणातीतानंद स्वामी की, गोपालानंद स्वामी की, और उनके दिए हुए स्टेटमेंट को तो हम नज़र में कभी लाते ही नहीं, ये बात तो हम सोचते ही नहीं। और इस बारे में तो हम उनको बालक समझते हैं और हमको बड़े समझते हैं कि वो नहीं समझते थे, हम बड़े बुद्धिमान है, हम जो कर रहे हैं हम समझ रहे हैं, वही अनंत जीव का कल्याण का उपाय है। हद तेरी की, जिसको आप बड़े कहते हो, जिनको, उनकी बात पर तो आपको कुछ यकीन नहीं है, उनका सुझाव तो आपको अच्छा नहीं लगता, श्रेष्ठत्व तो आपने आप में रख दिया है और बखान तो आपको उनका करना पड़ता है। ये कैसी ट्रेजेडी है, ये क्या है, सब दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करना। भगवान स्वामी नारायण की बातें और इनके महापुरुष जो परमहंस थे, इन सभी की बातें और इन लोगों का जीवन हम किताबों में पढ़ते हैं। हमने इन बारे में जाना है, हम अनजाने नहीं है, इसलिए हमें संभालना पड़ेगा वरना हम भटक जाएंगे इस संसार की माया में। तरह तरह की माया है, तरह तरह की माया है। कैसे थे वो संत। निष्कुलानंद स्वामी को धौलेराम में अंत समय भगवान स्वामी नारायण लेने को आए और ऐसा बोले कि मैं श्वेत द्वीप की गद्दी खाली हुई है वहां पर आपको बिठाऊंगा। तब निष्कुलानंद स्वामी ने हाथ जोड़े और ऐसा कहा, मैं वहां तो था, मुझे वहां गद्दी नहीं चाहिए, श्वेत द्वीप की गद्दी मुझे नहीं चाहिए, आपकी सेवा में अक्षरधाम में ले जाए मेरे नाथ। एक धाम का गादीपति बनाने वाला था भगवान स्वामी नारायण निष्कुलानंद जी को, हम यहाँ की गद्दी के लिए लड़ा लड़ कर रहे हैं, करोड़ों रुपया हम कोर्ट में दे रहे हैं और गद्दी से ही हम खुद को महान समझते हैं, पागल हो गए हम। क्या भगवान स्वामीनारायण, क्या उनके परमहंस, क्या उनका विचार और क्या हमारी निम्नता, हद तेरी की, हद हो गई है। किसी का दिमाग चलता है या बंद है? क्या इस संप्रदाय की ज्ञान परंपरा, क्या भगवान स्वामीनारायण के ज्ञान की ऊंचाई, क्या इनके परमहंस की समझ की बढ़ाई और क्या हम जा रहे हैं? हमने सत्ता में और संपत्ति में ही विकास माना है हमारा और संप्रदाय का, क्या बात है ये। जब तक हम स्वामीनारायण भगवान को और उनके परमहंस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तब तक संप्रदाय का कोई विकास नहीं होगा। संपत्ति का विकास होगा, बिल्डिंग होगी और हमने ये किया है ऐसा अहम का विकास होगा और कुछ नहीं होगा। क्या बिल्डिंग से जीवात्माओं का कल्याण होता है? मैं मानता हूं उनकी जरूरत है, फिर भी वही जीव के कल्याण के कारण नहीं है। जीव का कल्याण ही कारण हम मानते हैं और इसलिए ही सब करते हैं तो ये बात लागू पड़ती है। हमारा हम बढ़ाने के लिए और हम सबसे आगे जाने के लिए हरीफाई यदि जो कर रहे हैं तो जीव का कल्याण हमारे ध्यान में नहीं है। हमारी अगवानी और हमारी बड़ाई ही हमारी नज़र में है। हम दुनिया को कुछ भी दिखाए और लोग कुछ भी देख ले, समझ ले, हमको बड़ा मान ले, वो उनकी मर्जी है, मगर सच क्या है वो स्वामी नारायण तो अवश्य जानते होंगे।
और इन संप्रदाय में अच्छे अच्छे बुद्धिशाली और अच्छे अच्छे बुद्धिशाली जो संत और हरिभक्त है वो भी जानते होंगे, उनको अच्छी तरह से मालूम होता होगा कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा दुखी महापुरुष को बताया गोपालानंद स्वामी ने, मेरे दिमाग में ये बात अभी तक घूम रही है कि क्या स्टेटमेंट दे दिया गोपालानंद स्वामी ने, क्या स्टेटमेंट दे दिया, कैसा दे दिया। स्वामीनारायण भगवान वचनामृत में ऐसा बोले हैं कि राजा का सुख अधिक है इनसे, देवों का सुख अधिक है, वो अधिक है, वो अधिक है, वो अधिक है, आगे आगे बताते रहे, अधिक अधिक सुख बताते रहे। तब गोपाल स्वामी ने उल्टी चलाई, अधिक अधिक दुख बताया। क्या बात है, ऐसा स्टेटमेंट गोपालानंद स्वामी के अलावा कोई नहीं कर सकता, किसी का काम नहीं है। और मंदिर में देव के आगे धन राशि आ जाए तो कौन ऐसा मंदिर का महंत है इस धन पर शोक करे, हमारे गुणातीतानंद स्वामी के अलावा कौन है ऐसा देव के आगे धन का ढगला देखकर शोक करे, कौन ऐसा महंत है बताइए जी, मैं वंदन करना चाहता हूं। धन के लिए तो सभी प्रवृत्ति हो रही है, इससे भला शोक कैसे होगा, मुख मुस्कुराने लगेगा, क्या बात है, कितने पैसे आ गए, गले में इतने पैसे निकलते हैं, देखे देव का प्रताप। पैसा लाना वही देव का प्रताप है और कुछ नहीं। पैसा सब जगह से हमारे पास आ जाए वही हमारा गुरुदेव का प्रताप है और कुछ नहीं। हम कैसी बातें कर रहे हैं, कहां पर हमने सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवान का और उन्होंने पधराए हुए देवों का और उनके बड़े पुरुष का प्रताप को ढाल दिया, कहां पर ढाल दिया। हमारे में काम न रहे, क्रोध न रहे, लोभ न रहे, हमारा मन सतत हरि स्मरण में लगे रहे, वही तो सबसे बड़ा प्रताप है। धन संपत्ति तो आज कत्ल खाने वाले पास भी बहुत है, किसके प्रताप से है, नास्तिकों के पास भी बहुत पैसा है और बहुत उनकी आबरू है। कहीं कहीं कलाकारें अभिनेताएं इस संसार में जितने फेमस है इतने शायद रामकृष्ण भी नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ उद्योगपति और धनवान लोग वो भी नास्तिक होते हैं, वो किनके प्रताप से इतने धनवान हुए। हम धन की वजह भगवान की और संत की महिमा गाए जाएंगे क्या, इतना ही प्रताप था हमारे सर्वोपरि भगवान का और उनके परमहंसों का और उनके पधराए हुए देवों का, वही प्रताप है। धन, धन हमारी मांग है, धन में हमको आसक्ति है, धन हमको ज्यादा इकट्ठा करने की भावना है, इसलिए सभी प्रताप हम धन में ढाल देते हैं, वहां ही बताते हैं। दिमाग खराब हो गया है हमारा, धन धन धन, संपत्ति, सत्ता, विकास, थूल विकास, भौतिक विकास। आध्यात्मिक विकास तो वही है सतत श्रीहरि का स्मरण हो, देह से हमारी आत्मा हमको अलग दिखाई दे, आत्मा में अखंड भगवान का दर्शन हो, भगवान के अलावा और कुछ संकल्प न हो, कोई तान न हो, भगवान से अलावा कोई भूख न हो, भगवान का दर्शन स्मरण वही सुख हो और भगवान भुला जाए वही हमारे लिए दुख हो। ऐसा जितना ज्यादा सत्संगी बन जाए, मैंने बताया इस तरह का, वही हमारा संप्रदाय का विकास है। इन इमारतों में हम विकास नहीं देखते, वो हमारी बात है। मंदिरों में ज्यादा पैसा इकट्ठा हो इसमें हम विकास नहीं देखते बल्कि विनाश देख रहे हैं, वो विकास नहीं है। विकास तो हम उसी को कहेंगे जितने आत्मा निर्वासनिक होकर सतत हरि का स्मरण करे
काम क्रोध लोभ आदि के दुखों से दूर हो, राग द्वेष से दूर हो, आपस आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार रख के बड़े भाव से उनकी सेवा कर रहे हो, वही विकास है। भौतिक विकास वो विकास नहीं है, क्योंकि वो आखिर विनाश होने वाला है। घड़ी दो घड़ी दिखने वाली बात है वो, इसमें खुश होना अच्छा नहीं है। और वो पोलार पर वाली जो बात है ना, भगवान स्वामी नारायण पोलार पर गांव में गए थे और गांव में से जब बाहर निकल रहे थे तब एक साधु ने स्वामी नारायण भगवान के साथ चलते चलते ऐसा बताया, महाराज ये बहुत धनवान है। स्वामी नारायण भगवान कुछ बोले नहीं, चलते रहे। गांव से बाहर आ गए तो दूसरी बार वो साधु ने बताया कि महाराज ये सेठ श्री श्रेष्ठी बहुत धनवान है। तब स्वामीनारायण भगवान ने जो शब्द निकाले थे वो अभी मेरे कर्णों में गूंज रहे हैं। स्वामीनारायण भगवान ने ऐसा कहा, बहुत धनवान हो तो उनको बटका भरने लगो के काटने लगो, बटकिया भर सेठ ने आऊ बोलिया। बोलो ये स्वामीनारायण भगवान, क्या स्वामीनारायण भगवान की बात है। और हम कहाँ हैं, हम स्वामीनारायण के तो आश्रित है ना, कुछ भूल नहीं है ना। हम धन के आश्रित है, मान के आश्रित है, थूल विकास के आश्रित है कि स्वामीनारायण प्रभु के आश्रित है। हम किसके आश्रित है वो भी हमें संशोधन करना पड़ेगा भाई। वन विचरण में वो मोहनदास साधु स्वामीनारायण भगवान के साथ थे, एक नदी के पार उतर रहे थे, सेवाल बहुत थी। तो मोहनदास ने श्रीहरि को ऐसा बताया कि नीलकंठ जी संभल के चलना, गिर जाओगे तो कठारी टूट जाएगी। तब नदी के किनारे पर आकर स्वामीनारायण भगवान ने एक पत्थर से पछाड़ कर कठारी तोड़ दी थी। मोहनदास ने कहा, अरे 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 सरजोदास ये क्या किया। तब श्रीहरि ने ऐसा कहा था, ये कठारी प्रभु स्मरण में आपको बार बार बाध कर रही थी ना, इसलिए मैंने तोड़ दी, अब आपको सतत स्मरण होगा। ये स्वामीनारायण भगवान, ये स्वामीनारायण भगवान। हम कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोचिए जी, हम कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे इष्ट देव कौन, कैसे थे, क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, हमारे नंद संत सब कौन थे, कैसे थे, कैसे जीवन जी रहे थे और क्या कहते थे, और हम सब क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। हम्म, 2069 की साल का प्रारंभ हुआ है, आपने कहे छे 69 काल, यानी 200 वर्ष थाय छे। हम्म, ये समय शू हतो ने आजनो समय शू छे बोलो। हा तो काल छे एटले द्विशताब्दी उजवाय नहीं, पण समझाय तो खरुं के ए दिवसे भगवान स्वामीनारायण ने परमहंसो ने हरिभक्तोनी केवी दशा हती। માણસ માણસને ખાઈ જાય, હરિલીલા મૃતમાં એ કાળનું વર્ણન કર્યું છે, કાઢી નાખે એવું। આજ તો આપણા બધા પાસે ખૂબ ખાવા પીવાનું સુવિધા, ખાન પાન ભોગ, દેહાભિમાનનું પોષણ થાય, અહમ મમત્વનું પોષણ થાય, એવી તો બધી ખૂબ ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા ઢગલા મઢે છે। ફરીવાર બોલું, દેહાભિમાનનું પોષણ થાય, વિષયનું પોષણ થાય, એવી તો ખૂબ ભગવાનની કૃપા છે ઢગલા મઢે। બોલો, અહમ મમતાનું પોષણ થાય, પણ શું એનાથી કલ્યાણ થાય? એ માર્ગ કલ્યાણનો છે, એને કોઈ જ્ઞાની માણસ કૃપા કે ખરા, કે જેમાં આપણે ફસાઈ જઈ, બંધાઈ જઈ, જન્મ મરણ થાય, લકચોરાશી થાય, એવી બધી વસ્તુ આ લોકની મળે, માન મોટપ ધન સંપત્તિ બંગલા ગાડી સુવિધા, આને શું ભગવાનની કૃપા માનશો? તો આપણી પાસે શું ધૂળ છે, નાસ્તિકો પાસે આપણા કરતા વધારે છે।
क्यों एनी माथे कृपा बहु छे भगवानी एम એ લોકો એનો પોસ્ટરમાં ફોટો મૂકવાના 1.5 કરોડ લે છે એડવર્ટાઇઝ માટેના. તમારો ભૂખ ફોટો કોઈ રાખે ઘરમાં? કૃપા કૃપા મંડાણા, ઠીક માની લો કે એ કૃપા છે, હાલો ને આપણા માટે. પણ ભલા માણસો, આપણે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણને ઓળખ્યા છીએ માટે આત્મા એને અર્પાઈ જાય, એનાથી વિશેષ કોઈ વાત આપણા જીવન માટે હોવી ન જોઈએ. આપણો આત્મા ભગવાનને દઈ દો, જાણે ખુદ જ આપણે ખુદ જ એને હોંપાઈ જવું છે, તો પછી બીજું એની પાસેથી માગીને કૃપાના ઢોલ હું વગાડવાની જરૂર છે કે ભગવાને મને આ આપ્યું, ભગવાને મને આ આપ્યું, મારો આ સંકલ્પ સિદ્ધ કર્યો, મારો આ સંકલ્પ સિદ્ધ કર્યો. સંકલ્પ સિદ્ધ નહીં કરવા આપણે, આપણે સંકલ્પ બંધ કરવા છે. આપણે સંકલ્પ બંધ કરવા છે. સંકલ્પ થાય ને સિદ્ધ થાય, સંકલ્પ થાય ને સિદ્ધ થાય, એનાથી તો જન્મ મરણ થાય. તમારા સંકલ્પ ખરાબ હોય કે હારા હોય, અક્ષરધામમાં ન રહેવાય કે ન જવાય, જન્મ મરણ થાય. બધા જ સંકલ્પ પડ્યા મૂકશું અને ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ રહેશું ત્યારે અનાદિ મુક્ત ગણાશું. એ પહેલાં તો વાતું થાય પણ એનાથી કાંઈ પ્રાપ્ત નહીં થાય. દેખીએ, દેને સે પ્રાપ્ત હોને વાલા સુખી જીવન ભર રહેતા હૈ. મહાવીર સ્વામી કી બાત હૈ. મહાવીર સ્વામી તો આધ્યાત્મિક થે, કેવલ ભૌતિક ચિંતક નહીં થે. ઇસલિયે મેં ઉનકી બાત કો આધ્યાત્મિક તોર સે લેતા હું. સુનિયે, દેને સે પ્રાપ્ત હોને વાલા સુખી, જબ હમ હમારે પાસ જો કુછ ભી હૈ વો તો શાયદ હમારા નહીં હૈ, ઇસલિયે ઉનકો દેને કી બાત મેં નહીં કરતા. લેકિન હમારા અસ્તિત્વ જો હૈ, જિસે હમ અપના સ્વરૂપ કહેતે હૈ, આત્મા યા જીવ, અગર હમારી આત્મા કો હમ શ્રી હરિ કો દે દે, અર્પણ કર દે. અબ મેં બોલતા હું, વો દેને સે પ્રાપ્ત હોને વાલા સુખ હી કાયમ રહેતા હૈ. વો દેને સે પ્રાપ્ત હોને વાલા સુખ હી કાયમ રહેતા હૈ, ઓર કોઈ સુખ કાયમ નહીં રહેતા. યદિ દે સકો તો અપની આત્મા પરમાત્મા કો દે દો, ક્યોંકિ વો ઉનકી હૈ, વો ઉનકી હૈ, હમને હમારી માન લી હૈ, હમારી હૈ નહીં. જિસકી હૈ ઉનકો દે દો, દે સકો તો, ત્યાગ કર સકો તો વહી ત્યાગ કરને યોગ્ય હૈ. ઓર ઇસ સંસાર કા કોઈ સુખ યા તો થોડી સી ધન સંપત્તિ દાન મેં દેકર ઉનકા ત્યાગ કરકે હમ બતાતે હૈ, હમ દાનેશ્વરી હૈ, હમ ત્યાગી હૈ. એ તો સબ મન કી વો ચીટિંગ હૈ, અંત મેં ઉસમે કુછ નહીં હૈ. અહંકા પોષણ હોને વાલી બાત હૈ, વો સમજને વાલે લોગ સમજ જાયેંગે. ત્યાગ તો વહી હૈ, હમારી આત્મા જિસકી હૈ ઉનકો હમ દે દે. લે લો પ્રભુ, એ સંપત્તિ આપકી, મેં કુછ નહીં, આપ હી હો. અચ્યુતદાસજીને ઓ પોઝિટિવ થિંકિંગ કે બારે મેં પ્રેઝન્ટેશન બતાયા થા ને, ઇસકે અંત મેં એક બાત આઈ થી. એક મહારાજ જ છે, વહી બાત મેં કર રહા હું. ઓર પ્રથમ કે 32મે વચનામત મેં જો બાત આતી હૈ કે માલા મેં મૂર્તિ રૂપી ઘોસલા મેં વિરામ કરના, વહી બાત કહ રહા હું. જબ હમ હમારી ચેતના શ્રીહરિ કો દે દેતે હૈ, તબ શ્રીહરિ પૂરે સે પૂરા હમારા હો જાતા હૈ. યે બડા વિજ્ઞાન હૈ. इसके लिए हम दृष्टांत दे सकते हो तो वही दे सकते हैं कि पानी का बूंद जब सागर में गिर जाते हैं तब वो खुद सागर बन जाते हैं. पानी का बूंद सागर से जितना ही जल अपनी ओर ले ले, अपने में मिला दे, फिर भी वो बूंद सागर नहीं बन सकता. लेकिन वो बूंद सागर में गिर जाए
तो खुद तुरंत ही सागर बन जाते हैं। इसलिए हमारी आत्मा हम बड़े प्यार से श्री हरि में लगा दे तो हम श्री हरि स्वरूप बन जाते हैं, भगवान जैसे सुखी महान बन जाते हैं। लेकिन वो हमसे हो नहीं सकता, इतनी हमारा माँ हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि हम खुद को श्री हरि को अर्पण कर सके। श्री हरि से थोड़ा कुछ प्राप्त करके हम कृपा का ढोल बजाते हैं और हमारे पास श्री हरि का दिया हुआ जो कुछ भी है इनमें से थोड़ा सा और किसी को देकर हम हमारी उदारता का ढोल बजाते, दयालुता का, हम बड़े दयालु है, हम उदार है, इतना हमने दान दिया, इतना हमने काम किया। ऐसे ही ढोल बजाते बजाते हम मर जाएंगे लेकिन लक 84 हमारी बंद नहीं होगी। हो तो हम जब हमारी आत्मा सभी वासनाओं को त्याग कर श्री हरि में लगाएंगे तभी हम काल माया से पर होंगे। ये सत्य सिद्धांत है। दिव्य जीवन प्राप्त करने के लिए हमें दिव्य ऐसा परमात्मा को अर्पण होना पड़ता है और इसमें साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, सभी को छोड़ने की और खुद को भी श्री हरि में लगा देने की हिम्मत चाहिए, इतनी चाहना चाहिए और साहस भी चाहिए। वो जब हम कर पाएंगे तभी मान लेना हम सत्संगी हुए हैं। मगर सत्संगी नहीं है हम, साधु है तुम संसारी हो, सत्संगी बनने की बार है। आगे का सद्विचार बोल रहा हूं। मनुष्य मात्र कमजोरियों से भरा हुआ है, फिर भी जो अपनी कमजोरियों के बारे में जागरूक है उसे किसी वक्त ईश्वर बल देंगे। देखो कमजोरियां तो सभी में है, कुछ न कुछ है, एक दो नहीं बल्कि अनगणित है। मगर कोई ऐसा है अपनी कमजोरियां को जानते हैं, कोई ऐसा है अपने में रही हुई दुर्बलता को, कमजोरियां को, खामियों का कसूर को महसूस नहीं कर रहे हैं, वो अपने में श्रेष्ठपन लेकर हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मानस मात्र मां कांक नबड़ाई से खामी से एक नहीं घनी से खामी, परंतु यहां कोई मानसों पोतानी खामियों ने जाने से समझे के एटली एटली आवी आवी मारा में खामी छे, अने घणा मानसी जानता नथी, पोतामा श्रेष्ठपणु लईने आनंद में जीवन जीवे छे। जेने पोतानी नबळाईनी खामीनी भूलनी कसरनी खबर छे एने भगवान कोक दाड़ो बळ देशे अने ए तमाम खामीओथी मुक्त करशे। पण जे माणस पोतानी खामीने स्वीकारतो ज नथी, हूँ हारो ने हूँ मोटो आ धुन में झालो जाए, एने भगवान कहीं बल देवा नहीं, कहीं मल्वा नहीं। माटे पोतानी खामीओने समझो। ये सत्संग चल रहा है, तरह तरह के सदविचारे और तरह तरह की बातें यहाँ पर हो रही है, सभी एंगल से बात हो रही है। क्या इसमें से कोई बात आपके लिए नहीं है? कोई बात आपको स्पर्शती नहीं है? सब बातों से आप परे हो गए हो क्या? इस बातों से कभी भी ऐसा विचार नहीं आता कि ये कसर मुझ में है, मैं अभी ऐसा नहीं हुआ हूं, यह अज्ञान मुझ में भी है। यदि हम और किसी में कुछ तरह का ज्ञान देख ले, जान ले, तो हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि उनमें जो अज्ञान है वो अज्ञान मुझ में है या नहीं। मैं इन धन से, इन सत्ता से, इन संसार में होने वाली कीर्ति प्रसिद्धि से खुश होता हूं या नहीं, सोच लेना चाहिए। राधा रमण देव के आगे जूनागढ़ में किसी ने 500 रुपया रख दिया तो गुणातीतानंद स्वामी ने शोक किया, तो मैं शोक करता हूं या आनंदित होता हूं, सोच लेना चाहिए खुद को। गोपाल स्वामी ने बताया कि यहां से लेकर महापुरुष तक अधिक अधिक दुख है, यानी कि जितनी जिनको मोटाई है बड़पन है उतना उनको दुख, तो मैं क्या समझता हूं।
श्रीहरि ने बताया कि जिनके पास धन है, गाम ग्रास है, वही दुखी है। तो मैं स्वामी नारायण की समझ जैसी समझ रखता हूँ या मेरी समझ कुछ और है, ये हमें सोच लेना चाहिए। और स्वामी नारायण की समझ और हमारी समझ में जितना फर्क है वो किस लिए है, किस कारण है, यह भी हमें सोच लेना चाहिए। और यह भी अच्छी तरह से जानना चाहिए कि गलत होते तो हम ही होते, श्रीहरि कभी नहीं, गोपालानंद जी कभी नहीं, गुणातीतानंद जी कभी नहीं, वो गलत नहीं हो सकते, वो सब मुक्त थे, महान थे, वो गलत नहीं हो सकते। हम मोहवश है, अज्ञानी है, संसार के सुख में देह में बंधे हुए हैं, इसलिए हमारा ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। हमें ही बदलना पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं, उन्होंने जो समझ रखा है, वही सत्य है। सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य तो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। बदलना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि हम असत्य है, इसलिए हमें सत्य की ओर जाना पड़ेगा। आइए आगे, संघर्ष संबंध को खत्म कर देते हैं या नहीं। संघर्ष संबंध को खत्म कर देते हैं या नहीं, यह निश्चित नहीं है। पहला है ना, वो प्रश्न है संघर्ष, आपस का जो संबंध है, इन संबंधों को खत्म कर देते हैं या नहीं, प्रश्न उठाकर यह बताया गया कि यह निश्चित नहीं है। खत्म कर भी दे या न कर भी दे, लेकिन गलत फहमी एटले के गैर समझ, लेकिन गलत फहमी संबंधों को बिगाड़ डालती है, यह तो निश्चित ही है। गलत फहमी काउंस में लग जो गैर समझ, नहीं तो लोचौथा है तो मैं फरीन वाच चौथा, लेकिन गलत फहमी संबंधों को बिगाड़ डालती है, यह तो निश्चित ही है। वह तो निश्चित ही है। यहां पर दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, संघर्ष एवं गैर समझ, गलत फहमी। इन दोनों में क्या फर्क है? हमको और किसी से संघर्ष चल रहा हो, कुछ झगड़ा, कुछ लड़ाई, तो वो झगड़ा हमारा जो संबंध है आपस में कई सालों से, इस संबंध को खत्म करे या न करे, हमको जो चाहिए वो मिल जाए तो संबंध बना रहे, झगड़ा मिट सकता है। मगर एक दूजे के लिए दिमाग में बैठ गई हुई जो गैर समझ है, वो तो संबंध को बिगाड़ ही डालती है, निश्चित बात है। संघर्ष से गलत फहमी बड़ी खतरनाक है, संघर्ष से गैर समझ बहुत खतरनाक है, इनसे संघर्ष भला। पूर्वग्रह, क्योंकि कहू से ने कि उपग्रह नहीं पूर्वग्रह नड़े, तुमने ग्रह नहीं नड़ता, पूर्वग्रह बहु नड़े। आपने कोई ने प्रत्ये कंक मानी लीधु के आवो छे, हे जेदी मान्यू तेदी तेवो हे, पर आज एने बदलाव आनी नाख्यो छे, ए मानस फरी गयो छे, हवे आपणे फेरवू पड़े कि नहीं। एक दिवस ए चोर हतो, हवे आज ए चोरी नहीं करतो, एने चोरी बंद करी छे, तो पछी आपणे हवे એને ચોર તરીકે માથામાં રેકોર્ડિંગ કર્યો છે, હવે કાઢવો કે એમને ચોર જ રાખવો? અથવા તો કોઈને વિશે આપણને કોક કંઈક કહી ગયું અને એ માણસ એવો હતો નહીં અને આપણે એને એવો માની લીધો, થઈ ગઈ ગલત ફહમી। હવે આ આપણો ને એનો સંબંધ નહીં રવા દે, નહીં રવા દે, નહીં રવા, બગાડશે।
પછી એ ભલે ને પતિ પત્ની હોય કે બાપ દીકરો હોય કે માં બેટા હોય કે ભાઈ ભાઈ હોય કે ગમે તે હોય, મિત્ર મિત્ર હોય, ગુરુ શિષ્ય હોય કે કોઈ પણ સંબંધ હોય, ગેરસમજ થઈ એકબીજામાં એટલે વિશ્વાસ જાય, મહિમા જાય, હેત વયું જાય, અને પછી તો એકબીજાનો કોઈ રીતે વિશ્વાસ આવે નહીં. સાચી વાત હોય તો એ મનાય નહીં. માટે આ ગેરસમજણ તો બહુ મોટો શત્રુ છે. મનુષ્ય કો અપને દુઃખ ઓર અફસોસ કો પકડ રખના અચ્છા લગતા હૈ. હા, ગુરુજી એક નામક કોઈ ચિંતક હૈ, ઇસને યે બાત બતાઈ હૈ. આપકો શાયદ કુછ અલગ સા લગેગા કે એક એસા વિચાર હૈ. ફિર સે બોલતા હું, મનુષ્ય કો અપને દુઃખ ઓર અફસોસ કો, ઇન દોનો કો, મનુષ્ય કો અપને દુઃખ ઓર અફસોસ કો પકડ રખના અચ્છા લગતા હૈ. ઓર યે ભી કહે લો કે ઉનકો ડટે રહેના અચ્છા લગતા હૈ. મનુષ્યને પોતાના દુઃખને અને શોકને વળગી રહેવું સારું લાગે છે, એને પકડી રાખવા સારા લાગે છે. મનાય નહીં એવી વાત છે, પરંતુ સાચી છે. ઘણા માણસોને આ સારું લાગે, આ મારી જેવા હોય એને ન ગમે, દુઃખ કે શોક મને પકડી રાખવા ન ગમે, તો સાવધું ભાઈડમાં જે થયું જે થયું જાય છો, એને કોણ સંભાળે. પણ ઘણા માણસ કંઈક ભૂલ કરી બેઠા હોય એને છે ભૂલી ન શકે, શોક કર્યા છે ટેવ, એને વાતની વાતે દુઃખ સંભાળ્યા કરે. સમજણ, લગ્ન જેવો પ્રસંગ હોય, બધા આનંદ કરતા હોય તો એ દુઃખ સંભાળે કે આજ તો ભગવાનની દયાથી કેટલું સારું છે. મોટાના લગ્ન કર્યા તે વાડી મળીને બજારમાં જો ને, જમણવાર રાખ્યો ને, ખૂંટીઓ આવ્યો ને, બધા ભાગ્યા. હા, બોલો, તું તો પહેલાં પીડ્યો ને દાઈજો બધી. હવે ભાઈ હતું તે દી હતું એ દશા, હવે અટાણે લહેર કરો ને બહુ હું પછી. હા, યાદ રાખવું જોઈએ, હાવ ભૂતકાળ ભૂલી જાઓ એવું નહીં, પણ એમાંનો સાર હોય એટલો યાદ રખાય. સમજાડું. અને ઘણા માણસને એવી ટેવ હોય કે બધું ભૂલી જાય, કાંઈ સારા યાદ રાખે નહીં, ફરીને એની ભૂલો કરે, એ સારું નહીં. અને દુઃખને શોકને ભૂલે જ નહીં, એ સારું નહીં. હમ, કંઈક માપ જોઈ. બોલો, અજોધાજીને અમે ગાલ બેદને વાત કરી હતી, આ હારું નહીં, આ હારું નહીં, માપ હારું. હમ, ભૂલી ગયો યાદ? હા, લે વાત કરી જોઈ. શું કીધું તું? કેટલી વાત કરી હતી? ગુરુજી કે વિશાળતા સારી છે પરંતુ અતિ વિશાળતા સારી નથી, સંકુચિતતા ખરાબ છે પણ અમુક જગ્યાએ સંકુચિતતાની પણ જરૂર છે, એટલે બંનેનું મધ્યસ્થ રહેવું જોઈએ. માપ જોઈએ, કંઈક માપ. પછી બીજાને પ્રેમ આપવો એ સારો છે, પરંતુ એ માપમાં પ્રેમ જોઈએ, વધારે પડતો પ્રેમ પણ એ વધવાનું પણ માપ જોઈએ. હા, એ માપ જોઈએ, લાડ લડાવવાનું માપ ને વધવાનું માપ જોઈએ. પછી ત્રીજું એક હતું, ભૂલી ગયો. હા, એક ત્રીજું હતું, ઉતાવળું થવું, ધીરું રહેવું. ધીરજ રાખવી સારી છે પરંતુ અમુક સમયે પછી ધીરજ પણ નડતી હોય છે, માટે ત્યાં ઉતાવળ પણ જરૂર નહીં હોય છે, એટલે બંને મધ્ય રહેવું જોઈએ. કંઈક એનું માપ છે, એ ગોતી લે ને જે માણે એ સુખી. વિશાળ અને સંકુચિતતાની વચ્ચે એક માપ છે, એ હાચી જેને આવી જાય ને એ સુખી. ઉતાવળું થવું અને ધીરજ રાખવી એની વચ્ચેની જે રેખા છે ને એ જડી જાય ને એ સુખી. આ સંસારમાં સુખી થવા માટે માપ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. માટે દુઃખને અને અફસોસને પકડી રાખવા નહીં ભાઈ, એ આપણને સારું લાગતું હોય પણ એ સારું નથી, એનો સાર લઈને ભૂલી જાઓ.
જવા દો, જે થયું તે એમાં ને એમાં પડ્યા રહેવો. દુઃખમાં ને શોકમાં તો કોઈ મળેલું સુખ તમે ભોગવી નહીં શકો. એટલે લહેર કરવાનું. હલો, હવે કાલે અચ્યુતદાસજીએ બહુ સારી વાતો કરી હતી એવું અમે સાંભળ્યું છે, તો ઇનમે સે હમકો થોડા પ્રસાદ મિલ જાય, આપ લોગો કી કૃપા હો જાય, કલ કી બાતો કા સારાંશ દે દીજીએ. કહાં ગયે હમારે માઇક ઓપરેટર? હા, વહાં સે દે દીજીએ. અરે સત્ય કરતા સત્સંગ મહાન છે. ધન્યવાદ. આગે કંઈક સારું થાય તો ગુરુજીને ભગવાનની કૃપા છે એવું માનવાનું ભૂલશો નહીં. આગળ એવું કીધું હતું હા સ્વામીએ કે જે કરવું હોય તેની માટે અત્યારે તક છે, પછી તક વારે વારે નહીં મળે. એ દાદા શિષ્ય કો દીજે, અમારે દાદા શિષ્ય હે. કાલે સ્વામી એ વાત કરી હતી કે મારે કરવું જ છે એવું જો દ્રઢ રાખીએ તો એ વસ્તુ થાય, અને બીજી એ વાત એવી કરી હતી કે આ અત્યારે સુવર્ણ તક આપણને મળેલી છે તો એને જવા દેવી નહીં એમ કરીને એક રાજાએ જે સાંઢ રાખ્યો હતો અને એને છોડ્યો હતો, પછી પહેલો સાંઢ એક છો જવા દીધો તેને પૂછડું હતું, પછી બીજા સાંઢને પકડવા ગયો તો એ પણ છૂટી ગયું, પછી છેલ્લે પકડવા ગયો તેને પૂછડું નહોતું, એવી રીતે છેલ્લો સાંઢ આવે ને આપણા હાથમાં પૂછડું આવે જ નહીં એવી રીતે થાય ને એ જોઈ લેવું આપણે. પૂછડા વિનાનો હાંઢ. હાથ ઊંચા રાખીએ ગી. હા, વહાં પર એક બાલક મેં એક બચ્ચા હૈ, ઉનકો દે કે બડે લોકો કે પાસ આ જાઓ. બોલીએ જી. અચ્યુત સ્વામી ને બાત કી થી કે પૂજ્ય ઘનશ્યામ સ્વામી હે ઉનને બાત કી થી વહાં મહોત્સવ મેં કે વો જો કુછ ભી હૈ અભી વો ઉનકે ગુરુ કી વજહ સે, ઇસલિયે હમ અભી જો કુછ ભી હૈ અપને ગુરુ ઓર ભગવાન કે લિયે ભગવાન કી વજહ સે હી હૈ સબ. એસા સમજના ચાહીએ તો કભી અભિમાન ના આવે. ઓ ઠક્કર કો દીજે વરના ઓ લડેગા, મુજકો કભી દેતે હી નહીં માઇક. તટસ્થ રહીને વિચારીએ તો પૂર્વગ્રહ રહે નહીં. ગુજરાતી હમ નહીં સમજતે, હિન્દી મેં બોલે. તટસ્થ રહે કે જો વિચારે ગયા તો પૂર્વગ્રહ હમકો નહીં રહેગા. પૂર્વગ્રહ નહીં રહેગા? નહીં. ઓર કોર રહેગા? ગ્રહ રહેગા. પહેલે સે હી દે દીજે, વો તો સબ બોલેંગે. પૂજ્ય સ્વામી ને બતા દીધા કે પૌધા હૈ ઓર દુકાન હોગા તો ઉસકો એક જગહ પે ડાલના પડતા હૈ, લેકિન બાર બાર ઉખડ કે ફેંકેંગે તો ઉસકા મૂળ જમીન મેં નહીં ખૂંકતા. એસા હમારા આત્મા કો ભગવાન કે દિલ મેં લગાયેંગે તો હી હમ ભગવાન કા સુખ પા સકતે હૈ, લેકિન હમકો સુખ નહીં આયેગા તબ તક. શાબાશ, બદલ વાલે. બહાર કા વર્તન ઓર જીવન ઉસમે કુછ ભેદ નહીં હોના ચાહીએ, દ્વિમુખી જીવન નહીં હોના ચાહીએ. ધન્યવાદ. શિબિર કે બાદ જો સેવા દેખને કે લિયે ગુરુજી ઓર સંતો ગયે થે ઉસકી બાત ઉસને કી થી કે બહેનો ને વો 5000 ગદ્દે કા વો જો ખોલ થા વો સબ ધોને કે બાદ સી ભી દિયા ઓર પતા ભી નહીં ચલા કે ભી યે કામ કિતની જલ્દી સે હો ગયા. બહોત બહેને સેવા કર રહી હૈ, વો બાત બહોત અચ્છી લગી. કલ સ્વામીજી ને બતાયા થા કે જો બહાર ગાંવ કે લોગ અપની બાતે કરતે હૈ ઓર ઉસકો બોલ કે આપકો યાદ કિયા થા ઓર ફિર આકે બાદ અપને બોલ કે તુમને યે ઉત્સવ મેં સ્વામી જી કે કિસી ને યાદ કિયા થો તો અપને બહુ આનંદ હોતે હૈ, તો ઇસ તરહ જો અપને ભગવાન કો હર પળ યાદ કરે કુછ ભી તો ભગવાન બહુ હી પ્રસન્ન હોતે હૈ. અપના જોડાણ ભગવાન સે અંતર સે હોના ચાહીએ. કલ સ્વામી ને બતાયા કે હમ સબ મેં ભગવાન દેખે તો હમારા ભગવાન સે સંબંધ જુડા રહેગા, તો ધન્યવાદ ભગવાન સે અલગ નહીં હોગે. શાબાશ. અરે સ્વામીજીને બતાયા થા કે હમારે અંદર દો પ્રકાર કે પ્રવાહ રહેતે હૈ, એક પ્રશંસા કરતે હૈ દૂસરી તરફ નિંદા કરતે હૈ તો હમ અપના અંતર ખરાબ હો જાતા હૈ, ઇસલિયે એક હી સ્થિર રહેના ચાહીએ. ધન્યવાદ. હમે કભી અપને સાધન કા બળ નહીં રખના ચાહીએ, અગર સો સાધન કા બળ રહેગા તો અંતકાલ મેં બહુત કઠિન પડેગા. અરે સ્વામીને બતાયા કે ભગવાન જરા ભી દૂર નહીં માનના, આત્મા મેં માનના હૈ. ક્યા બાત હૈ, બહુ બડી બાત કહી દી. સ્વામી ને બતા કે અભી જો પ્રેમ ઓર મહિમા કા જો વાતાવરણ સર્જન હુઆ હૈ ઉસમે હમે બહેતે રહેના ચાહીએ. ધન્યવાદ. કલ સ્વામીજી ને દિખાયા કે સત્ય કે આગે સત્સંગ મહાન હૈ. ધન્યવાદ. સ્વામીજી કલ બતાયા હતા કે હમારા જો સંબંધ હૈ વો ગુરુજી સે હુઆ હૈ તો હમે ભગવાન ને ઉનકા પાર્ટનર બનાયા ભાગીદાર, તો જો પ્રાપ્તિ ઉનકો હોગી વો હમે ભી હોગી. ધન્યવાદ. કલ પૂજ્ય સ્વામીજી ને બતાયા થા કે હમ ગમે તૈસા હોય લેકિન ભગવાન કા સ્વીકાર હો જાવે તો અપના કલ્યાણ હો જાવે. ધન્યવાદ. અપના દેહ ભગવાન ઓર સંત કે અર્થે ઘસ ડાલના હૈ. ઘસ ડાલેંગે, ક્યા બાત મહારાજ. બડે પુરુષ મેં રહે કે સબ કાર્ય કરતા હૈ,
ठीक है। कल स्वामी जी ने बताया था कि जिसका स्वीकार होता है उसका उसमें जोड़ान होता है, जैसा कि भगवान में जोड़ान होगा तो उसका स्वीकार होगा, यदि अपन को माया में स्वीकार होगा तो माया में स्वीकार होगा। अपन लोगों को माया में जो स्वीकार होता है तो माया में जुड़ जाता है, माया का स्वीकार होता है। ठीक है, चलो भाई। कल स्वामी जी ने बताया था कि हमारा आत्मा हम भगवान में जोड़ देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कल स्वामी जी ने बताया, कहते ये सत्संग अपने को मिला है, गुरु जी ये संत सब मिला है, वो अपना बड़ा भाग्य। हम सब सत्संग में घूमते देखते कैसे हरिभक्त है, ये गुरु जी ने अपने को जो विवेक सिखाया है और जो सब कुछ दिया है वो अपना बड़ा बहुत भाग्य है। धन्यवाद। अपने सत्संगी युवक को कुसंग की असर नहीं है, इसका वजह भगवान की और पूज्य गुरु जी की निष्ठा है। धन्यवाद। अपने सत्य का अहंकार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। कल स्वामी जी ने बताया था कि भगवान और आत्मा जैसे पेड़ के साथ मूल जुड़ा हुआ है, ऐसे भगवान और आत्मा जुड़े हुए हैं। अरे भाई, मूल धरा से लगे हुए हैं, ऐसे हमें मूर्ति में हमारी वृत्ति लगानी चाहिए। ठीक है। भगवान साधन थे नहीं मरता, पन बे हाथ ऊंचे कर ऊंचा कर देवा थे भगवान मरे से करी दीदा मैं हमें भगवान ना आश्रय रहू, भगवान जेम के एम कर्या करूँ। तो हवे कथा करूँ, हलो आ बधा तमारी अनुवस्त्र सेवा करे छे तो तमारे भगवान नी वातु कथा करीने सेवा करवी, बरोबर? आटलू घणो देखे सुने में भेद अनंता, देखे सुने में भेद अनंता, एक की एक बात रहंता, एक की एक बात रहंता, देखी पारख ना सोचे जो, देखी पारख ना सोचे जो, हाँ पारख बिन परखातन सो, पारख बिन परखातन सो, परखातन सो। जैतलपुर में संध्या आरती हुई, बाद में श्री हरि ने धुन बुलाई, सभी अवतारों के नाम लिए धुन में, बाद में आधारण स्वामी लिखने लगे हैं। अंत में बोलेगा कि श्री हरि ने धुन के पश्चात ऐसी बातें की थी, अभी तो लिख रहे हैं आधारानंद जी। यहां पर विवेक की बातें अधिकतर आती है, ध्यान से सुनिए। बात एक की एक होने पर भी कहने वाला वक्ता एक, बात भी एक हो, सुनने वाला अनेक हो, फिर भी उसमें देखने वाले के और सुनने वाले के भेद से देखने में और सुनने में बड़ा ही भेद रहता है। बात एक की एक हो, प्रसंग एक का एक हो, सुनने वाला देखने वाला अनेक हो, देखने वाले और सुनने वाले के भेद के कारण अनेक भेद हो जाते हैं, एक ही प्रसंग का और एक ही बात का, हो जाते हैं ना, हो जाते। सुनने वाले और देखने वाले में भेद है, इसलिए भेद हो गया। स्वामीनारायण भगवान एक थे के दो चार तीन थे? एक थे। उन्होंने जो बातें की वो सब एक है के दो चार तीन है? एक है। फिर भी आज स्वामी नारायण के नाम से कितना मत हुआ, बहुत लोग ऐसा कहते हैं स्वामीनारायण ऐसा कहते थे, कोई कहे स्वामीनारायण का ये सिद्धांत था, हो गया ना भेद। ये अच्छी तरह देखकर सोचकर सत्य बात जाननी चाहिए, सत्य बात जाननी चाहिए अच्छी तरह देखकर और सोचकर, और वह सच्चे परीक्षक के बिना जानी नहीं जा सकती। लो पारख बिन पर खात न सो, सच्चे परीक्षक बिना परीक्षा नहीं होती है, वो बात नहीं जानी जा सकती। जो सबके परीक्षक और साक्षी है, सबके परीक्षक एवं साक्षी है,
उन्हें पहचानने वाले तो बहुत ही थोड़े मनुष्य होते हैं, यानी कि भगवान को जानने वाले पहचानने वाले बहुत थोड़े मनुष्य हैं। जैसे कि हीरा हीरे से ही बिंधा जा सकता है, दूसरे करोड़ों उपाय करे फिर भी काम नहीं बनता। हीरा को बिंधने के लिए हीरा चाहिए, ये दृष्टांत दिया। वैसे ही जो उच्च कोटि के भक्त है वे ही भगवान के अवतार को पहचान सकते हैं, सबका काम नहीं है। अथवा जैसे हीरा हीरे से ही बिंधाता है, वैसे भगवान द्वारा ही भगवान पहचानने में आते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। उच्च भक्त जो है उसमें भगवान का वास होता है, और वही भगवान का वास ही प्रगट भगवान को पहचानने में मदद करते हैं, वही वास ही मदद करता है। जिनमें भगवान नहीं है वो लोग भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान ही हमारी भीतर रहकर हमको खुद की पहचान कराते हैं। जब श्रीहरि प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रकटे हो और वे अपने स्वरूप का सनातन ज्ञान जब देते हैं, प्रकट होकर जब देते हैं, तब वह मानने में आता है, और जो दूसरे ज्ञान देते हैं उसमें तो वे अपने गुण मिला देते हैं, इसलिए उनकी बात मानने में नहीं आती। भगवान प्रकट होकर खुद की बात करते हैं तब सबको मानने में आती है, क्योंकि वो बात शुद्ध होती है, कुछ भी मिलावट बगैर की होती है, इसलिए मानने में आती है। लेकिन और जो दूसरे ज्ञान देते हैं ना, उसमें तो वे अपने गुण मिला देते हैं, अपने स्वभाव मिला देते, इसलिए उनकी बात मानने में नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने स्वभाव को बात में नहीं मिलाना चाहिए, अपने गुण को नहीं मिलाना चाहिए, जैसी बात शुद्ध हो वैसी ही करनी चाहिए। कहीं कहीं लोगों को ऐसी कुटेव होती है, बात करने में कहाँ चले जाते हैं, कितनी बात को बिगाड़ डालते हैं, जो बात वास्तव में न हो ऐसी बात उनमें मिलाकर बात करते हैं, फिर सुनने वाले को विश्वास नहीं रहता, ऐसा हो जाता है, न जाने क्या वास्तविक होगा और ये क्या कह रहे हैं। इसलिए शुद्ध बात से ही लोगों को विश्वास होता है और बात मानने में आती है। दर्पण के समान जो स्पष्ट बात कहते हो वो उनके वर्तन में दिखती है। खुद भगवान की महिमा जिस तरह समझते हो तदनुसार वे सर्वोपरि मानते हैं। अपने वर्तन में होनी चाहिए बात। हम भगवान को सर्वोपरि कहते हैं और हमारा आकर्षण और किसी चीज पर रहता है, इससे हमारी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि लोगों के दिल में शंका उठेगी, आप भगवान को सर्वोपरि कहते हो मगर आपका ध्यान धन में है, सत्ता में है, बड़प्पन में है, पंच विषय में है, स्त्री में है, किसी की ईर्ष्या करने में लगे रहे हो और कहते हो कि सर्वोपरि भगवान है। आप जो कहते हो वो आप में नहीं दिखाई देता, इसलिए आपकी बात मानने में नहीं आएगी। दर्पण के समान जो स्पष्ट बात कहते हो वो उनके वर्तन में दिखती है। जो वर्तन में दिखती है तो सबको मानने में आती है। खुद भगवान की महिमा जिस तरह समझते हो तदनुसार वे सर्वोपरि मानते हो तो उनकी बात सब मानेगा। बोलने में सर्वोपरि और दिमाग में समझने में सर्वोपरि नहीं। बात में हम भगवान को सर्वोपरि कहते हैं और दिल में सर्वोपरि धन स्त्री पंच विषय रहता है तो सुनने वाले को शांति नहीं मिलेगी। दिमाग में आई बात?
जो खुद सर्वोपरि कहते हैं कोई लोग, तो अपनी बात को ही श्रेष्ठ मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि मैं ही भगवान को सर्वोपरि समझता हूं, आप नहीं समझते। इसलिए दूसरे जो भगवान के स्वरूप की महिमा कहते हैं उसमें खामी दिखाते हैं। वे सब तो पाताल से लेकर अक्षर पर्यंत सब में खामियां दिखाते हैं, ऐसे कोई कोई है, सब में खामियां दिखाते हैं। कहां से कहां ले, कहां तक? पाताल से अक्षर पर्यंत सब में खामियां दिखाते हैं। पहले अच्छा कहे, बाद में खामियां बताते, बस खामियां दिखाते ही रहते हैं। रामानंद जी में यह खामी थी, धर्म भक्ति भी पूरा नहीं समझ सकते थे। जीना भाई का भी कल्याण नहीं हुआ है। गोपाल स्वामी तक खामी निकालने वाले इस संसार में, इस सत्संग में है। इतनी बात तो गोपाल स्वामी को भी समझ में नहीं आई थी जो हम समझ रहे। हम सर्वोपरि स्वामी नारायण को जैसा समझते हैं ऐसा तो मुक्तानंद स्वामी ने भी नहीं जाना था, कमी रह गई थी उनको भी। ऐसी बातें करते, पाताल से लेकर अक्षर पर्यंत सब में खामियां निकालते, ऐसी बातें तो श्री हरि के मुख से सुहाती है। श्री हरि यदि सब में खामी निकाले तो वो बात अच्छी है, श्रीहरि के मुख में वो बात शोभा देती है। श्रीहरि यदि अक्षर में भी खामी निकाले, गोपाल स्वामी में निकाले, मुक्तानंद जी में निकाले, तो शोभा देता है श्रीहरि। ऐसी बात जब करते तो, क्योंकि श्रीहरि स्वयं ही सर्व अवतारों के कारण है, वो अवतार नहीं है, इसलिए वो बात करे तब तो ठीक है। लेकिन जो श्रीहरि की देखा देखी करके बोलते हैं वे तो अवतारों के चोर बनते हैं, वो तो अवतारों के चोर बनते हैं। श्रीहरि तो बोले, वो तो सर्वोपरि है, सब अवतारों के कारण है, इसलिए वो बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम नहीं अवतारी हो और न अवतार। आपकी जगह पकड़ रखो, न अवतार हो न अवतारी हो, इसलिए श्रीहरि की देसी मत करो। श्रीहरि ने जैसी बात की है वैसी बात मत बोलो, आपको शोभा नहीं देगी, अवतारों के चोर बन जाओगे। अवतार सब श्रीहरि के है, वो बात समझ रखनी चाहिए, क्योंकि अवतारी बिना अवतार होते ही नहीं। अपने आप कोई अवतार बन जाते हैं क्या? कैसी बातें करते हो, अपने आप को अवतार बन जाते हैं श्रीहरि के बिना? श्रीहरि चाहते हैं कि इनमें से मैं इतना काम करूं, ऐसा सोचकर जिसमें श्रीहरि का प्रवेश होता है वही अवतार कहलाता है। अवतार श्रीहरि के होते हैं, उसका ही ध्यान होता है, और इस ध्यान की वजह कल्याण होता है, और किसी का तो ध्यान होता ही नहीं। इसलिए अवतारों की निंदा करना वो तो बहुत खराब बात है, वो एक तरीके का अभिमान है। जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, बड़े अभिमानी है, वही अवतारों की निंदा कर सकते हैं, और कोई नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि अवतार में अवतारी है, हम भला कैसे उनकी निंदा टीका कर सके। अवतारों की निंदा करने से हमारे अवतारी उनमें बैठे हैं उनकी ही निंदा होगी, हम क्यों नहीं समझते? अवतारी बिना अवतार है ही नहीं, फिर हम उनकी निंदा टीका क्यों करें? कैसे कर सके? भगवान श्रीहरि तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो अवतारी है, सब अवतारों के कारण है। लेकिन जो श्रीहरि की देखा देखी ऐसी बातें बोलते हैं वे तो अवतारों के चोर बनते हैं। उन सब के मालिक प्रगट प्रभु भूमि पर विचरण कर रहे हैं, जिनके हाथों में हमारा मोक्ष है, उनके चरित्र को कहने के लिए जीव अधिकारी नहीं है, फिर भी चरित्र कहने में जीव को बड़ा उत्साह होता है। स्वामी मोटी मोटी विवेक नी बात करे छे।
हरिमुख बात सो शोभे ते ही सब अवतार कारण है यही। मूल चौपाई बोलता हूँ, हरिमुख बात सो शोभे यही क्योंकि सब अवतार कारण है यही। देखा देखी बोले यूं जाही अवतार के चोर होत ताही। फिर अपनो मोक्ष है ताके हाथा प्रकट भूमि पर विचरत ना था चरित्र कहन जिय नहीं अधिकारी कहन को ते ही हूं से है भारी। उन सबके मालिक प्रकट प्रभु भूमि पर विचरण कर रहे हैं जिनके हाथों में हमारा मोक्ष है उनके चरित्र को कहने के लिए जीव अधिकारी नहीं है फिर भी चरित्र कहने में जीव को बड़ा उत्साह होता है। मैं बता दूं सर्वोपरि श्री हरि को, अरे भाई तेरी पहुंच नहीं है। ऐसे सर्वावतारी पुरुषोत्तम नारायण के चरित्र को कहने को आप योग्य नहीं है, अधिकारी भी नहीं है। आपको बहुत हौसला है फिर भी अधिकारी नहीं हो आप। प्रगट बिन नहीं मोक्ष तत्काला बात करना तिमी लगे रसाला। अनविवेकी की कमेंट करते हैं आधारानंद जी। आधारानंद जी कहते हैं कि श्री हरि के बोलने से हम भी सब पीछे पीछे बोलने लगते हैं। जरा सोच समझ के बोलना, हम अवतारी नहीं है, वो तो अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। वो जैसा बोले वैसा हम नहीं बोल सकते, हमारा अधिकार नहीं है। हमें संभल के हमारा अधिकार अनुसार हमें बोलना चाहिए। प्रगट बिन नहीं मोक्ष तत्काला, प्रगट भगवान मिले बिन तत्काल मोक्ष नहीं होता। बात करना जिमी लगे रसाला, ऐसी बात करना बहुत रसाल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रगट की बातें करने में हमको बड़ा जुस्सा आता है। अवतार आगे अवर अवतारा हो गए कछु वार न पारा। सुनिए, अवतार आगे अवर अवतारा, ये भी जो अवतार है उनके आगे भी बहुत अवतार हो गए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। इतने अवतार इन धरती पर श्रीहरि के हो गए हैं। इन प्रगट सर्वावतारी श्रीहरि के प्रागट्य से पहले दूसरे भी अपार अवतार हो गए हैं। कहने का तात्पर्य उसका कोई पार आए ऐसा नहीं है। मनुष्य जब प्रगट भगवान को मानते हैं तब वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहना वह विवेक है। मनुष्य जब प्रगट भगवान को मानते हैं तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वे प्रगट प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, शाबाश तूने मुझको जान लिया, पहचान लिया मुझको, धन्यवाद, प्रगट पर तुझको प्रीति है। मनुष्य रूप होने पर भी आप मुझको दिव्य अक्षर धामस्थ जानते हो, इसलिए आप सामान्य नहीं हो। ऐसा श्री हरि खुश हो जाते हैं। देखो ये बात कहनी चाहिए, ऐसा कहना वह विवेक है, और तुम उनको मत मानना ऐसे कहना वह अविवेक है, ऐसा कहना अविवेक है। किसी ने स्वामीनारायण भगवान को प्रगट परमात्मा के रूप में जान लिया तो उनको शाबाशी दे दो, अच्छा हुआ मनुष्य रूप मुरारी को आपने जान लिया, धन्यवाद, तुम्हारा बड़ा भाग्य। मगर किसी को ऐसा नहीं कह सकते तुम, उनको मत मानो, वो अविवेक है, वो विवेक नहीं है। ये खंडन की बात है, किसी का भी खंडन नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान सर्वावतारी पुरुषोत्तम सत्य है, यों ही उनके अवतार सभी सत्य है। जब भगवान सत्य है, उनके अवतार सत्य है, उनके सभी धाम सत्य है, तो उन धाम में रहने वाले सभी मुक्त भी सत्य है और इन अवतारों के सभी भक्त भी सत्य है। इसलिए किसी का भी खंडन नहीं करना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। इनसे आध्यात्मिक मार्ग का विकास नहीं होता है, जीव की भलाई भी नहीं होती है। विवेक के बिना बात निंदित हो जाती है, विवेक बिना बात वगोवाई जाए। फिर आपने जो कुछ किया हो उन पर पानी फिर जाता है। बहुत करने पर भी आप ऐसे तो सफल नहीं हो सकते,
जैसे विवेकी पुरुष थोड़ा करने से भी बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। विवेकी और अविवेकी इन दोनों में इतना फर्क है, अविवेकी बहुत करने से थोड़ा सफल होता है क्योंकि वो अपने किए पर पानी बार बार फेर देता है, और विवेकी जो इंसान है वो थोड़ा करता है फिर भी बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, क्योंकि विवेकी का किया हुआ जितना है उतना सभी बच सकता है, उस पर पानी नहीं फिरता, और अविवेकी की बात पर कार्य पर बार बार पानी फिर जाता है, फिर से प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे बहुत प्रयत्न करने से थोड़ा सा वो सफल होता है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर विवेक और अविवेक की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, यदि हम समझे तो बहुत समझने योग्य बात है। विवेक के बिना बात निंदित हो जाती है। जिनको जिस वक्त जिस अवतार का योग हुआ हो, सुनिए, जिसको जिस वक्त जिस अवतार का योग हुआ हो उस अवतार के चरित्र समझने चाहिए, उनके लिए समझने चाहिए, और वे सब गान करने योग्य ही है क्योंकि उसको ये अवतार मिला है, इसलिए उनका गान करना उनके लिए ठीक है, योग्य है। ऐसा जानकर गान करें तो सबको प्रकट सर्वावतारी श्री हरि में तान होता है, ऐसा हम समझे। हर अवतारों के चरित्र का भी गान करने दे और किसी को, क्योंकि उनको इनकी उपासना है, और हम भी अवतारों के गान करें, इसमें कोई भूल नहीं है। अवतारों का यदि हम चरित्र गाएंगे, गान करेंगे, कीर्तन गाएंगे, वो अवतारी की ओर ही जाएंगे, क्योंकि अवतारों में अवतारी साक्षात है, इसलिए तो वो अवतार है। हम क्यों नहीं समझते, हम श्री हरि के अवतारों की निंदा क्यों करते हैं, बिना सोचे करते हैं, इसलिए हम अवतारों के चोर बनते हैं। वो सर्वोपरिता नहीं है बल्कि सर्वोपरिता का घमंड है और कुछ नहीं है। जिन भक्त को भगवान के जिस अवतार की उपासना हो उसका भी हमें प्रतिपादन करना चाहिए। जिस भक्त को भगवान के जिस अवतार की उपासना हो उसका भी हमें प्रतिपादन करना चाहिए, और बाद में ही वह भक्त प्रगट श्री हरि के स्वरूप में उत्तम भावना कर सकता है। यदि हम पहले हुए अवतारों की निंदा करेंगे तो अभी जो श्री हरि का अवतार है उनको भला कौन मानेंगे, वो बात हमको मालूम नहीं है। दूसरों को तुम मान देकर उसके मंतव्य को सच्चा कहोगे तो वे अपना भी सच्चा मानेंगे, अगर तुम दूसरों को असत्य कहोगे तो वे तुम्हारा भी असत्य कहेंगे, ऐसा तो सिद्धांत सभ्य दिखाई देता है। अगर कोई दूसरे को पूज्य के रूप में अपनी वाणी से कहते हैं तो वह अपनी वाणी ही स्वयं को पूज्य बना लेती है। सुना, हम दूसरों का मान करते हैं तो सब हमारा मान करते हैं, हम दूसरों को पूज्य कहते हैं तो लोग हमको भी पूज्य कहते हैं। दोष और गुण दोनों वाणी में ही रहे हैं, दोष और गुण दोनों वाणी में ही रहे, वो विवेक से जांचा न जाए तो दिखाई नहीं देता। दोष और गुण अपनी वाणी में है और वो विवेक से तपास करना चाहिए तब ही दिखाई देते, बिना तपास समझ में नहीं आते। हम धीरे से सहज में बोलेंगे फिर भी सबको बहुत असर होता है, और कोई कोई बार हम बड़े जोश से बोलेंगे फिर भी किसी को भी कुछ असर नहीं होता, क्योंकि हम जोश से बोलेंगे फिर भी इन बोलने में यदि अविवेक हो जाता है तो बुरी असर भी होती है। वाणी में बहुत बहुत बात रही है। मैं अपनी ओर से यह बात कह रहा हूं कि संसार में कितने 700 करोड़ जैसे 700 करोड़ जो हो मानवी, मगर इसमें से बोलने का बहुत थोड़े लोगों को ही आता है,
मनुष्य बोलने का नहीं सीख पाते आजीवन, बोलने में बहुत गलती होती है। अपनी वाणी में जो दोष जितना हो उसको यदि पहचाने तो वह उतना उत्तम भक्त कहलाता है। अपनी वाणी में जो दोष जितना हो उसको यदि पहचाने तो वह उतना उत्तम भक्त कहलाता है। भगवान के अवतारों के चरित्र का जो खंडन करते हैं वे तो पक्के असुर है। देखो, हरि अवतार चरित्र ही ताके, खंडन करे असुर है पाके। भगवान के अवतारों के चरित्र का जो खंडन करते हैं वे तो पक्के असुर है, नहीं करना चाहिए। वो हमें नहीं करना चाहिए, वो हमको अधिकार नहीं है। भगवान ने ही वो अवतार लिया है, वचनामृत ऐसा कहते हैं, मध्य का 13वां, सभी अवतार उनमें से होता है। अवतारी जो मूर्ति है पुरुषोत्तम, उनमें से और उनमें वापस लीन होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। फिर भी हम अवतारों के चरित्र को गौण कहेंगे और उनकी टीका करेंगे, निंदा करेंगे, तो हमको मालूम नहीं है हम असुर हैं। भक्त हृदय ऐसा नहीं कर सकते, उनसे वो नहीं हो सकता। अवतार अवतारी भेद समझते हैं भक्त लोग, मगर अच्छी तरह से वो अवतारों को निम्न कक्षा का जानकर उनके चरित्र में दोष नहीं दिखाते। बड़ी दिव्यता से अवतारों के चरित्र का भी गान करते हैं भक्त, और सर्वोपरि श्री हरि के भक्त भी अवतारों के चरित्र का गान करते हैं। आज्ञा भी है वचनामृत में, प्रथम का 3रा पढ़ लीजिए। भगवान और भगवान के अवतारों ने जहां जहां जन्म लिया हो, जहां जहां जो जो चरित्र किया हो, उन सभी का गान करते रहना, ऐसा श्री हरि ने बताया। जाकू मिले प्रकट अवतारा, ऐसे भक्त भय अनंत अपारा, ताकि रीति जोई के चलना, ता ऊपरी पाव न धरना। जिनको भगवान का प्रकट अवतार मिला हो ऐसे भक्त तो अनंत और अपार हुए हैं। उनकी रीत को देखकर चलना, उन पर पैर रखकर या उल्लंघन करके मत चलना। जिस अवतार का योग जिसको हुआ हो उन्होंने उनके चरित्र को लिखे हैं और देखे भी है, देखे हैं और लिखे हैं। उसमें जिनको जिस अवतार का जितना प्रताप दिखा हो उतना प्रताप प्रेम से लिखा होता है। भगवान के स्वरूप का प्रताप देखा हो, जाना हो, उसको अगर गुपचुप छुपा कर रखे और लिखकर प्रसिद्ध न करे तो उसे करोड़ों ब्रह्मांड के विनाश का अमाप पाप दिन प्रतिदिन लगता है। आदरानंद जी का ऐसा मानना है कि जिसको भगवान मिले हो और जो जो प्रताप उन्होंने दिखे है वो लिख के प्रसिद्ध न करे तो उनको ब्रह्मांड के विनाश का अमाप पाप दिन प्रतिदिन लगता है। और एक बात विवेक की ऐसी बात कह दी कि लिखना चाहिए, फिर भी एक तरीके से मना कर रहे हैं। जिसको लिखना न आता हो अगर वो लिखे, शास्त्र के वचनों का बाधा ये उसकी पहचान न हो फिर भी लिखे, निर्बाध रीत को न जानते हो फिर भी जो लिखे, उनके सिर भी उतना ही करोड़ों ब्रह्मांडों के विनाशों का पाप लगता है। कहने का तात्पर्य है उनको नहीं लिखना चाहिए, मगर जिनको लिखने का अच्छी तरह से आता हो, शास्त्रों के वचनों का बाद अबाद जिनके दिमाग में अच्छी तरह से हो और बाद निर्बाध की रीत को अच्छी तरह से जो जानते हो, ऐसे पुरुष यदि न लिखे तो उनको करोड़ों ब्रह्मांड के विनाश का पाप लगता है। मगर जिनको ये सब बातों का पता ही नहीं उसको तो लिखना नहीं चाहिए, अगर वो जो लिखेगा तो उनको भी इतना ही पाप लगेगा। इसलिए जिनको लिखना न आता हो उन्हें तो मुख से ही गुण गान करना चाहिए, किंतु लिखने का हरख उत्साह नहीं रखना चाहिए। जो मुख से चरित्र को गाते हैं उनके ऊपर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। उसमें इतना विशेष है कि प्रगट भगवान के चरित्रों का गान तुरंत ही मोक्ष करता है, इतनी विशेषता है।
वो तत्काल मोक्ष करता है। हालांकि सभी अवतारों के भक्त को भी ऐसा ही तान होता है, अरे होना चाहिए। अपने इष्ट में यदि कोई थोड़ा सा भी गौण भाव रखेगा तो भला उनमें जी कैसे लगेगा। सबको अपने अपने इष्ट देव में सर्वोपरिता का भाव रखना ही चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। और दूसरों को भी यह बात माननी भी पड़ती है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारे इष्ट में तुम सर्वोपरिता का भाव क्यों रखते हो, भला वो ऐसा भाव नहीं रखेगा उनमें जीव कैसे लगेगा। क्योंकि मनुष्य मात्र को अपने अपने घर का तान हर वक्त रहता ही है, और उसे ही बुद्धिशाली भक्त जानना कि जो अपने घर यानी कि अपने उपास्य इष्ट देव पर ही तान रखता है। जिनको अपने घर की ओर तान नहीं होता है वे तो अंत में हैरान होते हैं। इसलिए अपने अपने इष्ट देव पर सबको तान रखना चाहिए। वहाँ दृष्टांत है, जैसे त्रिशंकु ने अपने मूल गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु किए तो वह अब तक अधर अंतरिक्ष में ही लटक रहा है। इसलिए अपने इष्ट देव की ओर अपने गुरु की ओर सबको तान रखना चाहिए, वो बुरा नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्रीहरि ने जब धुन कर ली बाद में ऊपर कही हुई सब बातें कही थी, यहाँ पर मैंने जो कही वो बात श्रीहरि ने कही थी जैतलपुर में धुन के पश्चात। क्योंकि सभा में जाति जाति के और भांति भांति के लोग बैठे थे, उनकी ओर नजर रखकर यह बातें श्रीहरि ने की थी। सभा में जो संत और हरिभक्त बैठे थे वे सब ऐसी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए, और उनकी समझ में जो कुछ भी कसर थी वो सब सहज में छूट गई यानी कि नाश हो गई। इति श्री हरिचरितामृत सागरे अष्टम पुरे श्री हरि सहजानंद स्वामी शिष्य सिद्धानंद मुनि विरचिते। श्री हरि ने विविध नाम की धुन बुलाई तथा भक्त को विवेक की समझ दिखाई। ये नामा 13वां तरंग हुआ। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।